हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पीटी का पेपर अच्छा हुआ होगा और मेंस की तैयारी में लग गए होंगे, और नहीं तो आप नेक्स्ट सेशन की तैयारी कर रहे होंगे और लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं आज, और आज एक अहम टॉपिक जो उर्दू ऑप्शनल के पेपर टू का है, शायरी के हवाले से या उसके हिस्सा बी के हवाले से, कि मीर हसन की मसनवी शहरुल बयान, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान। इसके बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें हम देखेंगे कि जिसमें मीर हसन का तारुफ, उनका मुख्तसर तारुफ और उनके कुछ दिगर तसनीफ़ात, गुज़िश्ता सालों में पूछे गए सवालात और उन सवालात की रोशनी में आने वाले दिनों में पूछे जाने वाले सवालों के इम्कानात, कि किस तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इस सेक्शन से, हम उसको भी देखेंगे। और साथ में जो उनकी मसनवी है सहरुल बयान, उसकी अहम खसूसियत क्या है और कौन सी ऐसी खसूसियत है कि जो उनके मकबूलियत की राज है या जो उनके मशहूर होने की ज़ामिन है या उसकी दस्तावेज़ है, उसको भी हम देखेंगे इसमें। क्लियर है? साथ में एक और चीज़ हम देखेंगे कि इसी दौर में इस मसनवी के अलावा एक और अहम मसनवी गुलजार नसीम, जो कि पंडित दयाशंकर नसीम की लिखी हुई, वो भी एक लाजवाब मसनवियों में से एक है, उसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ हम पेश करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि दिल्ली दबिस्तान के अंदर में कौन सी मसनवी लिखी गई। मेरे ख्याल से आप पहुंच चुके होंगे वहाँ पे जहाँ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। दबिस्तान दिल्ली की या शुमाली हिंद की जो सबसे अहम और इब्तदाई मसनवी या जो सबसे बेहतरीन मसनवी है, वह है मसनवी ख्वाब ख्याल। वो किसकी है, थोड़ा कोशिश करें जब तक मैं डिस्कस करूँगा बीच में आपको। इसके अलावा देखते हैं कि लखनऊ में, कि लखनऊ की जो मसनवियाँ लिखी गई हैं, क्योंकि लखनवी दौर में मसनवी और मरसिए का एकदम अंबार रहा है, यानी कि इन दो सिन्फों की जितनी तरक्की लखनवी दौर के अंदर हुई, उतनी तरक्की किसी और दौर में नहीं हो पाई। मिसाल के तौर पे जिसको हम स्टडी कर रहे हैं अभी, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान और पंडित दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम, इसके अलावा जहर इश्क फरेब इश्क, ये है मिर्ज़ा नवाब शौक लखनवी की। इसके अलावा जब हम देखते हैं बात मरसिए की, तो मरसिए में आपको याद है कि तो मरसिए दक्कनी दौर में बहुत उम्दा तौर पे लिखे गए थे, और उससे भी उम्दा या उससे भी आला तरीन मरसिए लखनवी दौर में लिखे गए, और खसूसी तौर पे मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के हाथों से। मीर अनीस के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी, यानी कि उनकी पूरी शायरी और शख्सियत, बल्कि पूरा ख़ानदान मसनवी निगारों का ख़ानदान रहा है। उनके सभी लड़के भी बाकमाल मसनवी निगार रहे हैं। इसको भी हम लोग जब लखनवी तहरीक हमने किया था तो उसको हमने डिटेल में किया था वहाँ पे, यहाँ एक मुख्तसर तरीके से हम कर रहे हैं। और अब हम शुरू करते हैं इसको कि देखें कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक बिल्कुल कॉमन है आपका, इसको लेकर के, यानी कि UPSC को लेकर के और KS को लेकर के। KS का सिलेबस तो बिल्कुल कॉमन है, उसमें ज़रा भी वेरिएशन नहीं है, बहुत ना के बराबर 1-2% का वेरिएशन है उसका। तो अगर अंडरस्टूड है कि इस ओरिएंटेशन के साथ आप क्लास लेते हैं तो आपके लिए मज़ीद इजी होगा कि बेहतर ओरिएंटेशन, कम्प्रिहेंसिव स्टडी और अच्छा स्कोर करना। क्लियर है? तो देखें, जो सवालात पूछे गए हैं, सवालात बहुत सारे पूछे गए हैं, लेकिन खसूसी तौर पे कि सहरुल बयान में उस अहद की माशरती ज़िंदगी की झलकियाँ पाई जाती हैं, इस पर मदल्ला लिखना है आपको। यानी कि अभी तक जो सवालात पूछे गए हैं, वो पूछे गए हैं कि तो मीर हसन की अजमत का राज, और दूसरा कि उस अहद की माशरती ज़िंदगी की नुमाइंदगी या उसकी अक्कासी, इन दोनों से ही सवालात अभी तक पूछे गए हैं, और आगे भी इम्कानात हैं कि सवाल इन्हीं दो दायरों से पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब हम थोड़ी स्टडी करते हैं एज यूजुअल उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। इब्तदाई ज़िंदगी व तालीम, कि असल नाम मीर ग़ुलाम हसन था और हसन तखल्लुस था। आप तकरीबन 1737 में दिल्ली में पैदा हुए, उनकी तालीम व तरबियत भी दिल्ली में ही हुई। हर तरफ शेर व शायरी के चर्चे देखे तो बचपन से ही फारसी में शेर कहने लगे। उनकी सारी ज़िंदगी गुरबत में गुजरी और 1786 में उनका इंतकाल हो गया। अहम तसानीफ़ में हम देखते हैं, और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करते चलें, कि आपकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा तो दिल्ली में गुजरा, लेकिन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा लखनऊ में भी गुजरा। आपको पता है कि उस समय की जो माशी, सियासी, सामाजिक हालात जो थी, वह हालात
नागवार थीं। इसके मद्देनज़र शोरा जब उनके लिए दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया तो साहब ज़्यादातर शोरा ने मुख्तलिफ दबिस्तानों की तरफ या मुख्तलिफ स्कूलों की तरफ कूच किया, जिनमें से मीर तक़ी मीर, मीर हसन, ज़ौक़ व दिगर खसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। जैसा कि हमने देखा कि मीर तक़ी मीर की पैदाइश अकबराबाद आगरा में हुई, ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा आपका दिल्ली में गुजरा और आपका इंतकाल आखिरी वक्त में लखनऊ में हुआ, क्योंकि जब फ़िज़ा यहाँ की ख़राब हो गई दिल्ली की तो गोया कि आपने सफ़र किया लखनऊ का। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर ओवरऑल लखनवी तहरीक और दिल्ली तहरीक यानी कि दिल्ली दबिस्तान या लखनऊ दबिस्तान का हम लोग एक मुहासबा करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, तो ये फील होता है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। कुछ फ़र्क को अगर नज़रअंदाज हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। और इसका मुवाजना अक्सर क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका एक ब्रीफ डिस्कशन हमने किया भी है उस कंसर्न लेक्चर में। क्लियर है? अब हम देखते हैं थोड़े से कि सहरुल बयान के अलावा और क्या लिखा है उन्होंने। तो उनकी दूसरी अहम मसनवी है गुलजार अरम, गुलजार इरम या गुलजार अरम। थोड़ी सहरुल बयान की कहानी जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसमें एक बादशाह है जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया है मगर औलाद से महरूम रखा है। नजूमियों के मुताबिक यानी कि एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक बादशाह को बेटा पैदा होगा मगर 12वीं बरस उसे बुलंदी से ख़तरा है, और उसी साल एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम उसने बेनज़ीर रखा। बड़ी तवज्जो से उसकी परवरिश की गई। 12वीं सालगिरह हुई तो बादशाह को उसको छत पर सोने और चाँदनी से लुत्फानंदोज़ होने की इजाज़त दे दी गई। उसका ख्याल था कि ख़तरे के 12 बरस गुजर चुके हैं मगर यही रात 12वीं बरस की आखिरी रात साबित हुई जो कि ख़तरनाक साबित हुई। माहिरुख नाम के परी का इधर से गुजर हुआ और वह शहजादे पर फरेफ्ता हो गई और उसे ले उड़ी। माहिरुख जब बाग में रहती तो उसे अपने साथ रखती मगर जब बाग के घर जाती तो उसे तनहा छोड़कर चली जाती। बेनज़ीर की तनहाई पर तरस खाकर उसने उसे सैर करने के लिए एक कल का घोड़ा दिया, लेकिन इससे पहले शहजादे से खूब कौल व करार करा लिए कि वह किसी से दिल न लगाए। एक दिन सैर करते हुए उसने अपना घोड़ा एक बाग में उतारा। वह बाग शहजादी बद्र मुनीर का था और वज़ीर ज़ादी नज़मुन्निसा और सहेलियों के साथ बद्र मुनीर बाग में सैर को आई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फरेफ्ता हो गए। दोनों की मुलाकातें होती रहीं। एक देव इस राज से आगाह हो गया जिसने माह रुख को खबर कर दी। उसके गुस्से से होकर के शहजादे को उसने एक कुएं में कैद कर दिया। शहजादे की जुदाई में बद्र मुनीर की हालत बिगड़ती चली गई और वज़ीर ज़ादी नज़मुन्निसा जोगन की भेष में उसके तलाश को निकले। जिनों के बादशाह का बेटा उस पर आशिक हो गया, जब वो अपने दिल की बात जबां पर लाया तो नज़मुन्निसा ने कहा कि पहले बेनज़ीर का पता लगाओ और इसे कैद से छुड़ाओ। जिनों की कोशिश से बेनज़ीर रिहा हुआ और बद्र मुनीर से उसकी शादी हो गई। जिनों के बादशाह के बेटे से नज़मुन्निसा की शादी हो गई और वह परिस्तान चली गई। इसलिए मसनवी सहरुल बयान बेनज़ीर व बद्र मुनीर के नाम से भी शोहरत पाई, इसे जाना जाता है। स्टोरी जानना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम पूरा पूरा दीवान पढ़ लेते हैं और उनके बारे में जान लेते हैं लेकिन स्टोरी की इल्म हमें नहीं होती है। आपको पता है कि माफ़ुक़ुल फितरत अनासिर उनको कहते हैं जिनमें कुछ ऐसे किरदारों का जिक्र हो कि जो किरदार हकीकी मानों में हमारे और आपके सामने नहीं हो। मिसाल के तौर पर कि अगर हम बात यहाँ के औरतों की करें, मर्द की करें, बूढ़ों की करें, बच्चों की करें, तो ये तो किरदार हमारे दरमियान चलते फिरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे किरदारों का जिक्र करें जैसे देव, परी, जिन्नात, भूत वगैरह, इस तरह की चीज़ें कि जो हमारे तसव्वुर से बियॉन्ड हैं। क्लियर है? जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें हम देख नहीं सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। कुछ ऐसी ही कहानी है मसनवी सहरुल बयान की। क्लियर है? और कुछ ऐसे ही कहानी है बाग़ो बहार की भी। तो उर्दू में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं कि जो कहानियाँ दरअसल हकीकत पर मबनी नहीं हैं लेकिन उससे उन माशरत की जिस माशरे के बारे में लिखी गई हैं, जिस दौर के बारे में लिखी गई हैं, उनकी भरपूर अक्कासी मिलती है। क्लियर है? इन ब्रीफ ये होती है कि एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है ये, और एक बादशाह जिसको अल्लाह ने सब कुछ अता किया है सिवाय औलाद के। नजूमी पेशनगोई करते हैं कि बादशाह को बच्चा होगा लेकिन 12वें साल उस बच्चे को बुलंदी से ख़तरा है। गोया बादशाह को बेटा पैदा होता है
और नजोमियों की पेशन गोई सही साबित होती है और 12 साल तक उसे बेहद नाज से या लुत्फानंदोजी से उसकी परवरिश की जाती है। लेकिन जब 12वीं साल की आखिरी रात होती है, बादशाह को ये अंदाज़ा होता है कि अब रात ख़त्म हो चुकी है और उस दिन उस शहज़ादे को फ्री कर दिया जाता है कि अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से तुम जी सकते हो, लुत्फानंदोजी में जा सकते हो और चांदनी को एंजॉय कर सकते हो। गोया कि आखिरी रात होने की वजह से एक परी माहिरुख नाम की वहाँ से छत से गुजर रही होती है और शहज़ादे को देखकर उस पर फरिश्ता हो जाती है। फरिश्ता होने के बाद में उसे ले उड़ी वो। दिन में तो वो जब उसके साथ रहती है तब उसका दिल बहलता रहता है, लेकिन रात के वक्त में वो उसे अकेले छोड़ के चली जाती है और एक घोड़ा उसको दे देती है कि इस घोड़े को लेकर के तुम जहाँ चाहो घूम सकते हो, पर एक शर्त पे कि तुम किसी से दिल ना लगाना। नहीं, जो अक्सर होता है इश्क मोहब्बत वगैरह में। और इसी कंडीशन में क्या होता है कि उस घोड़े को लेकर के जब वो निकलता है और किसी दूसरे बाग में जब वो लैंड करता है, उतरता है, तो वो दरअसल बाग शहजादी बद्रुन्निसा का, बद्र मुनीर का होता है। नहीं, शहजादी बद्र मुनीर का होता है, जहाँ वो वजीर जादी नजमुन्निसा वो दिगर सहेलियों के साथ में सैर को आई हुई होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे पर फरिश्ता हो जाते हैं, दोनों को इश्क हो जाता है। लेकिन इस राज से एक देह आगाह हो जाता है और वह क्या करता है कि उसे इंटीमेट कर देता है माहिरुख को। गोया माहिरुख गुस्से में आकर के शहजादे को कैद कर देती है, यानी कि बेनज़ीर को। इस दौरान बहुत दिन तक नहीं मिलने की वजह से इसे शिद्दत से उसकी एहसास सताने लग जाती है और वजीर जादी जो कि उसकी अच्छी सहेली भी है और उसी महल में, जिस महल में वो शहजादी है उसी महल में रहती है, उसे इस शिद्दत का एहसास होता है और वह जोगन की भविष्य में निकलती है उसको ढूंढने के लिए, यानी कि शहज़ादा बेनज़ीर को। और जिनों के बादशाह के बेटे, जिसका नाम है फिरोज़ बख्त या फिरोज़ अहमद, दो जगह अलग अलग नाम लिखेगा आपको, फिरोज़ बख्त व फिरोज़ अहमद, गोया कि उसकी मदद से वो उसे कैद से आज़ाद करवाती है और बाद में उस वज़ीर ज़ादी का यानी कि नजमुन्निसा की शादी जिनों के बादशाह के बेटे यानी कि फिरोज़ अहमद से या फिरोज़ बख्त से हो जाती है और बद्र मुनीर की शादी बेनज़ीर से हो जाती है। तो इसे मुख्तसर में हम लोग बद्र मुनीर व बेनज़ीर का किस्सा भी कहते हैं और ऑफिशियली इसे हम मसनवी सहरुल बयान कहते हैं। अब दरअसल इतनी बड़ी स्टोरी बताने का क्या मतलब है आपको? टू अंडरस्टूड है, इस स्टोरी का बड़ा मुख्तसर सा खुलासा है कि जितने किरदार हैं इसके अंदर, तो चूंकि ये लखनवी माशरे के दौरान लिखी गई थी या लखनवी माशरे की अक्कासी है, तो इन सभी किरदारों के ज़रिए से लखनवी समाज, लखनऊ की समाजी, सियासी, माशरती, इक्तसादी सारी ज़िंदगी और उन ज़िंदगी के मुख्तलिफ किरदार, जैसे वहाँ के बादशाह, वहाँ के शहज़ादे, वहाँ की शहज़ादियाँ, वहाँ के बच्चे, वहाँ के बूढ़े, यानी कि सब कुछ इस मसनवी के अंदर सिमट आया है। जब इस मसनवी को हम देखते हैं तो ऐसा माना जाता है या पढ़ने के दौरान आपको लगेगा कि दरअसल हम लखनऊ का सैर कर रहे हैं, हम लखनऊ को अपने आँखों से देख रहे हैं और लखनऊ को अपने दिल से महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि मीर हसन के जो ये मसनवी है उनके मकबूलियत की ज़मीन है या उनके मकबूलियत की दस्तावेजी सबूत है ये। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा देखते हैं आगे कि इसका तनकीदी मुताला। ज़रा मुनसिफो डाट की है ये जा कि दरिया सुखन का दिया है बहा, नई तर्ज है और नई है जवां, नहीं मसनवी है ये सहरुल बयां। यानी कि एक इस तरह का जादू है इसके अंदर में कि जब आप पढ़ेंगे इसको तो वह आपको अपने तरफ मुतासिर कर लेगा, अपने तरफ मरगूब कर लेगा ये कि नई तर्ज है और नई है जबां, नहीं मसनवी है ये सहरुल बयां। क्योंकि अंडरस्टूड है कि जो भी अच्छी मसनवियाँ लिखी गई हैं वो मसनवियाँ किसी न किसी शक्ल में, नसर की शक्ल में पहले से मौजूद थी, इसलिए जो उम्दा मसनवियाँ हैं कि तो वो नसरों का ट्रांसलेशन है, उनका तर्जुमा है, या फिर जो उम्दा नसरे हैं वो उम्दा मसनवियों या मसीहों का ट्रांसलेशन है। तो ये टू एंड फ्रो लिटरेचर के बीच में हमेशा चलता रहा है। मीर हसन का दावा दुरुस्त है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं कि मीर हसन की जादू बयानी ये है कि ज़माने ने उनकी सहरुल बयानी पर तमाम तस्करा नवीसों से महजर शहादत लिखवाया। सहरुल बयान उनका लाफानी कारनामा है
जिनके बदौलत उनको मसनवी का सबसे बड़ा शायर तस्लीम किया जाता है, और यह हमारी क्लासिकी शायरी में एक ऐसा लाफानी शाहकार है जो गुज़िश्ता 200 बरसों से हर तज़किरा निगार और अदबी नक़ाद से खराज तहसीन वसूल करता रहा है, और इसके कितने ही मिसरे और अशार आज भी ज़बान पर खासो आम के हैं। इस तरह सहरुल बयान ने उन्हें जिंदा जावेद कर दिया। सहरुल बयान हकीकत की आईनादार है, फर्जी और तबाजाद होने के बावजूद भी हकीकत से बहुत करीब है, और ऐसा महसूस होता है कि वह मुख्तलिफ फर्जी किरदारों के ज़रिए अपने अहद की चलती फिरती तस्वीरें पेश करना चाहते थे और अपने अहद के नकोश उजागर करना चाहते थे, और इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी नज़र आते हैं। इस तरह उनकी मसनवी एक ऐसा आईना बन गई जिसमें उनके मखसूस अहद की साफ परछाइयाँ नज़र आती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये तो एक ओवरऑल तनकीदी मुताला हो गया। अब खसूसी तौर पर क्वेश्चन आता है माशरत की अक्कासी को लेकर के, कि माशरत की अक्कासी इससे कैसे होती है। इसको हम देखते हैं। सहरुल बयान के ज़रिए हम लखनऊ की जी भरकर सैर कर लेते हैं। यह मसनवी एक ऐसा आईना बन गई जिसमें उनके मखसूस अहद की परछाइयाँ साफ साफ नज़र आती हैं, और फर्जी किरदारों के चेहरों के पीछे हमें लखनवी तहजीब की नुमाइंदगी